नमस्ते। आर्ट ऑफ टैरो के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं ओशोज एंड टैरो के पेज ऑफ वाटर, जिसको हम अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, और इसको हम कंपेयर कर रहे हैं राइडर वेट के कार्ड पेज ऑफ कप्स के साथ। पेज ऑफ कप्स जब भी हमारी रीडिंग में आता है, पेज हमें बताता है कि वो एक मैसेज लेकर आया है हमारे लिए। पेज एक तरह का सीड है, पेज हमें जो है, पेज एक तरह की पोटेंशियल है, पेज एक तरह का प्योर मैसेज है जो आपके लिए आया है। और ये पेज ऑफ कप्स जो है वो मैसेज लेकर आया है प्रेम का, भावनाओं का, फीलिंग्स का, सेंसिटिविटी का, रिलेशनशिप का, जो भी आपके हार्ट से जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जो भी आपके इमोशंस के साथ चीज़ें जुड़ी हुई हैं, वो पेज ऑफ कप्स जो है उसकी बात करता है। और इस कार्ड में पेज ऑफ कप्स आपको बोल रहा है कि मैं आपके लिए प्रेम का संदेशा लेकर आया हूँ, और इस संदेशे को जो है आप अपनी लाइफ में उतार सकते हो, ज़िंदगी में उतार सकते हो, और इस प्रेम की पोटेंशियल को यूज़ करके आप उस प्रेम के रास्ते पे निकल सकते हैं, उन भावनाओं को जो है अनुभव कर सकते हैं जो कि आपके हृदय से आती हैं। तो ये एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी पेज ऑफ कप्स की। अब हम बात करते हैं पेज ऑफ वाटर की, जो कि अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टैंड करता है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल अपने आप में एक ये कार्ड है, जिसको प्योरली एक अंडरस्टैंडिंग के साथ जोड़ा गया है। हम कार्ड में देख सकते हैं एक पक्षी जो है पिंजरे में है, और वो पिंजरा जो है वो खुला हुआ है। स्थिति कुछ ऐसी है कि ये चिड़िया जो है इतने समय से जो है इस पिंजरे में बंद है कि वो भूल ही गई है कि वो उड़ सकती है। उसका लगाव इतना गहरा हो गया है उस पिंजरे से कि अब वो जैसे जो है उड़ना उसके लिए जो है कठिन पड़ रहा है। जो जब वो चिड़िया बाहर थी तब एक तरह का चैलेंज था उसके लिए, क्योंकि उसको अपने खाने पीने का इंतज़ाम भी खुद करना पड़ता था, अपने रहने का भी देखना पड़ता था, और आसपास के खतरों के साथ भी डील करना पड़ता था। लेकिन जो एक सबसे बड़ा गिफ्ट जो इस चिड़िया के पास था वो था फ्रीडम का। लेकिन अगर हम बात करें कि ये जो चिड़िया जो पिंजरे में थी, तो उसको खाना भी टाइम पर मिलता था, रहने की भी प्रॉपर सुविधा थी, और उसको एक प्रोटेक्शन भी थी, सिक्योरिटी भी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन एक ही चीज़ नहीं थी उस चिड़िया के पास, वो थी फ्रीडम। और चिड़िया जो है इस पृथ्वी पे अपने दो पंखों के साथ आई है, लेकिन उस पिंजरे के अंदर होने के कारण जो है वो उन दो पंखों को इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। तो सब कुछ मिल गया, लेकिन एक सबसे एसेंशियल जो चीज़ थी, जो उसकी आत्मा को जो संतुष्टि देती जब वो उड़ती, जब वो हवा से बातें करती, जब वो आसमान में एक ऊंची उड़ान भरती, लेकिन पिंजरे में होने के कारण वो सब कुछ ले लिया गया। ये पिंजरे की चिड़िया और कोई नहीं, ये हम ही हैं। हमने क्या करा है, हमने आसपास जो है अपने लिए सब कुछ जो है बड़ा सिक्योर कर लिया है, सब कुछ जो है सुविधा जुटा दी है अपने लिए, अपने घरों में जो है बहुत सुरक्षित हो गए हैं, खाना पीना टाइम से मिल जाता है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य जो घटा है इस बात में, वो ये कि हम उड़ना भूल गए। तो जीवन का जो मैसेज है वो कुछ ऐसा है कि जब आप उड़ते हैं, जब आप उस फ्रीडम के साथ जुड़ते हैं, जब आप उस आकाश को अनुभव करते हैं, तो पहली बार जो है आपकी आत्मा का जो है आपको अनुभव मिलना शुरू होता है। और मेरा ये मतलब नहीं है कि आप घर बार छोड़ के जो है निकल जाएं और जो करना चाहते हैं वो करें। मेरा कहने का मतलब एक छोटी सी एक यही बात है कि जहाँ हैं जैसे रहे हैं वो सब कुछ करते रहें जो करते हैं, लेकिन एक चीज़ को रियलाइज़ करें कि ये जो सब कुछ आसपास है इसको अपना पोजेशन मत बनाइए, उसको इतना ज़्यादा जो है स्ट्रांगली मत पकड़िए। अपना जो मैं भाव है कि मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, ये जो एक स्ट्रॉन्ग ये जो एक फीलिंग है, उसके प्रति जो है थोड़ा रिलैक्स होना शुरू हुई है। उस मैं भाव को जो है जितना उसको शांत कर सकते हैं, जितना रिलैक्स कर सकते हैं उतना अच्छा। और भीतर ही भीतर इस सत्य को जानिए कि आप यहाँ पर आए थे अपने सत्य को जानने के लिए,
उस ऊंचे आकाश में उड़ने के लिए, उस ध्यान को अनुभव करने के लिए, उस परमात्मा को अनुभव करने के लिए। लेकिन हो क्या गया है, हम इस घर के साथ जो है बंद के रह गए हैं, इस काम धंधे के साथ बंद बंद के रह गए हैं। और जो परमात्मा के लिए जो समय निकालना चाहिए, एक ऐसा समय जो सिंपली जो है जो आपका खुद का समय है, प्योरली योर ओन टाइम, वो समय तो जैसे जो है वो हम भूल ही गए हैं अपने लिए निकालना। तो कार्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है जब हमारे लिए आता है, हमारे को जो मैसेज आता है इसके थ्रू, वो यही आता है कि अपनी फ्रीडम को जो है अंडरस्टैंड करिए, कि अपने स्वातंत्र को जो है जीना शुरू कीजिए। उस ऊंचे आकाश में जो है, जो आपकी जो पोटेंशियल है, जिसमें आप पहुंच सकते हैं, जो आप हो सकते हैं, जो गीत आप यहाँ पे गाने के लिए आए हैं, उसको जो है एक्सप्रेस करना शुरू कीजिए। तो ये कार्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसी तत्व की बात करता है। और अगर हम ध्यान से देखें इस कार्ड के अंदर, तो पिंजरा जो है वो खुला ही हुआ है, पिंजरा जो है वो बंद नहीं है। तो अगर हम इस पिंजरे में हैं तो अपनी खुद की मर्ज़ी से है। ये पिंजरा जो है इस चिड़िया का खुद का बनाया हुआ है, किसी ने नहीं बनाया, ये खुद ही इसमें जो है चली गई और खुद ही इसमें जो है जाके जो है भूल गई कि वो उड़ भी सकती है। लेकिन अब जब वो देख सकती है कि और चिड़ियां जो हैं उड़ रही हैं उसके सामने, उनको वो देख सकती है, तो अब अंदर से जो है एक हिम्मत जो है जागनी शुरू हुई है कि वो भी उड़ सकती है। और यही होता है, जो जो लोग हमें इंस्पायर करते हैं, ये वही लोग हैं जो हमें उड़ने के लिए प्रेरित करते हैं, जो हमें पुश करते हैं, जो हमें अपने पिंजरे से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, जो हमें कहते हैं कि थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स कुछ जो है जीना शुरू करिए। वाई आउट ऑफ द बॉक्स? क्योंकि हम सारी ज़िंदगी उस बॉक्स के अंदर ही बिता देते हैं जिसको हम घर कहते हैं। और गुरु ओशो का यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है, वो ये कि आपको किसी ने नहीं बांधा हुआ, आपको किसी ने नहीं पकड़ा हुआ, आप जब चाहें इस जेल से मुक्त हो सकते हैं। और ये जो बात हम ये जो स्वतंत्र की कर रहे हैं, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको पकड़ रखा है, और यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि मैं बात कर रहा हूँ कि आपको जो है किसी चीज़ से मुक्त होना है। पहली बात तो आप मुक्त हैं ही, और यहाँ पे जिस फ्रीडम की बात हो रही है वो फ्रीडम कुछ ऐसी है कि वो ये जानने की कि आप जो है सिर्फ शरीर और मन नहीं है, आप उससे बहुत ज़्यादा हैं। और इसका अनुभव आपको होना शुरू होता है जब आपको आपके अंदर जो है एक ध्यान की स्थिरता आनी शुरू होती है। उस क्षण जो है आपको अनुभव होना शुरू होता है, उस क्षण आपको लगना शुरू होता है कि आप इस शरीर और मन से बहुत दूर हैं, कहीं आप एक ऐसे आकाश में हैं जहाँ पे आप सिंपली जो है आप हैं, एक होने का एक अनुभव है। और वो एक फीलिंग एक ऐसी है कि एक प्योरली एक फ्रीडम की फीलिंग है, क्योंकि उस वक्त जो है आप किसी भी चीज़ से जो है बंधे नहीं रह जाते। आप पत्नी हो के भी पत्नी नहीं रह जाते, आप पति हो के भी पति नहीं रह जाते। ये जो सारी की सारी जो चीज़ें हैं जो ऊपर ऊपर की हैं वो सब मिट जाती हैं, भीतर जो है एक कोर एक एक प्योर एक फीलिंग बचती है बस एक होने की। और उसी स्वतंत्रता की, उसी फ्रीडम की जो है बात जो है ये कार्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग करता है, और ओशो आपको प्रेरित करते हैं उसी फ्रीडम को जानने के लिए। क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो ये गीत गाने आया है, हर व्यक्ति के अंदर जो है वो पोटेंशियल है होने की। तो मेक श्योर कीजिए कि वो पोटेंशियल जो है वो आप जी के जाए जब आप यहाँ पर हैं, तो कि मृत्यु आने से पहले आप अपना गीत गा के जाएंगे, इतना संकल्प जो है अपने भीतर रखिए। एक पक्षी की मैं कहानी आपको कहूँगा। ये पक्षी जो है जंगल में एक बहुत सुंदर गीत गाता था, और उसका गीत सुनने के लिए लोग जो है इकट्ठे होते थे। एक दिन राजा को खबर मिली उस पक्षी के गीत के गाने की, राजा खुद सुनने आया, और राजा ने जब गीत सुना तो वो मोहित हो पड़ा। तो उसने अपने दरबारियों को बोला कि पकड़ लो इस पक्षी को, और मेरे जो
पकड़ लो इस पक्षी को और पिंजरे में डाल दो और मेरे कमरे में दे जाओ। पक्षी बहुत रोया, बहुत चिल्लाया, लेकिन राजा की मर्जी के आगे किसकी चलेगी। तो पक्षी को पकड़ लिया गया और पक्षी को जो है एक सोने के पिंजरे में डाल दिया गया। पिंजरा तो सुंदर था और सब सारी सुख और सुविधा थी, बस जो एक चीज़ की कमी थी वो थी स्वतंत्रता, वो थी उड़ने की आकांक्षा जो कि ले ली गई थी। वो जो दो पंख थे वो बेकार हो गए थे, लेकिन ये पक्षी जो है पहले उड़ा हुआ था उस आकाश के अंदर, इसलिए भीतर से बहुत गहरे में यही इच्छा थी कि वो अभी भी उड़ना चाहता था। तो चाहे उस पिंजरे में बंद हो गया था, लेकिन अब वो सारा दिन जो है रोता चिल्लाता रहता था कि मुझे इससे बाहर निकालो, मुझे उड़ना है। लेकिन दरबारी और राजा तो यही सोचते थे कि हो सकता है ये गीत गा रहा है, उसके रोने चिल्लाने को जो है उन्होंने गीत ही समझा। तो इस दुख और पीड़ा के अंदर जो है उसका जो है जीवन अब बीत रहा था। एक दिन महल के बाहर से एक फकीर जो है एक गीत गाता हुआ निकल रहा था। गीत में जो है फकीर गा रहा था कि सच्चाई को वैसे ही देख लो जैसी वो है, और जिस दिन उस सच्चाई को जो है तुम वैसे ही देख लेते हो तो तुम अपने स्वतंत्रता को जान लेते हो, और एक बार तुमने जो है सत्य को जान लिया तुम सत्य ही बोलोगे। इस तरह का कोई गीत जो है वो फकीर जो है गाता हुआ निकलता था, लेकिन वो गीत जो है किसी ने नहीं सुना। अक्सर गीतों में जो है बहुत गहरे जो है सत्य छुपे होते हैं, क्योंकि अगर इन सत्यों को जो है अगर सीधा सीधा कहा जाए तो शायद कोई भी ना सुने, लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है कि गीत में जो है उसको कह दिया जाए, गीत में शायद कोई सुन ले, गीत में शायद जो है किसी को टच कर जाए। लेकिन उस फकीर को किसी ने नहीं सुना, उस छोटे से पक्षी के अलावा, और उस पक्षी ने इतने गहरे से उसकी बात जो है उसने समझी उस संत की, कि उसने डिसाइड किया कि मैं ये ट्राई करूँगा कि जो संत ने कहा है। तो अगले दिन की बात है, राजा से मिलने के लिए कोई मेहमान आए और राजा का उनसे मिलने को मन नहीं था। तो राजा ने जो है अपने दरबारी को बोल दिया कि जाओ मना कर दो, बोलो कि राजा घर पे नहीं है। ये बात जब पक्षी ने सुनी वो चिल्ला चिल्ला के जो है उस मेहमान को बोलने लगा कि राजा यहीं है, यहीं है, ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। तो मेहमान को तो बुरा लगा ही, लेकिन राजा को और भी बुरा लगा कि मेरे ही जो है अगेंस्ट बात कर रहा है। उसी वक्त उसने जो है दरबारियों को बोला कि निकाल दो इसको बाहर, फेंक दो इसको जो है राजमहल के बाहर। तो खैर दरबारियों ने जो है उसको पिंजरे से निकाला और बाहर फेंक दिया, और जैसे ही उसको मौका मिला वो उड़ गया आकाश में। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। ये दूर से जो है एक तोता देखता था और तोता ने बोला कि अरे ये तूने मूर्ख, ये तूने क्या करा, अपनी सुख सुविधा जो है और ये सारा कुछ जो तेरे को मिला हुआ था, तू राजमहल में था राजा के कमरे में, ये तूने अपॉर्चुनिटी क्यों मिस कर दी, तेरी सिक्योरिटी चली गई, तेरे खाना पीना का जो अरेंजमेंट था वो जो सब कुछ जो उसने राजा ने दिया था वो सब कुछ ख़त्म हो गया, अभी भी वक्त है, राजा से माफ़ी मांग ले और वापस आ जा। लेकिन वो पक्षी जो है दूर उड़ चुका था। उस पक्षी के लिए जो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण जो चीज़ थी वो थी उसके पंख। उसने ये जान लिया था कि वो इस धरती पे आया था उड़ने के लिए, इस आकाश से बातें करने के लिए, इन ऊंचाइयों को जो है अनुभव करने के लिए। तो ये कहानी जो है आपको जो है एक तरह का रिमाइंडर है कि आप भी अपने जो है जो पंख जो आप लेकर आए हैं उनका इस्तेमाल ज़रूर करिएगा, और जो पिंजरा जो कि आपको लगता है कि आप जिसमें हैं उसका दरवाज़ा जो है सदा से खुला हुआ है, आपने बस डिसाइड करना है, आपने बस अपने अंदर जो है संकल्प करना है कि मुझे जो है जीवन के गहरे रहस्य जो हैं जानने हैं, कि मैं ऐसे ही नहीं जाऊंगा जीवन से। तो ये था कार्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मैसेज। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. नमस्ते.